भाई हमारे ब्लॉग चल रहा है भाई, भाई ये तो बहुत फेमस लोगों के ब्लॉग चल रहे हैं, लाइक भी ना कर रहा था मेरी मम्मी ने। कोई बात नहीं, अरे रहने दे मोटे रहने दे, लाइक भी ना कर रहा था मैं तो। मैं कह रहा हूँ भाई ये देख लो गाइस, चुड़ैल लास्ट तो हो रहा सिर्फ भाई में चुड़ैल बन के। ओ मेरी मम्मी चुड़ैल मत कह दे, आज बोटे तेरे लिए गेम लेकर आया हूँ मैं। के हैं पैसा चाहिए ना चाहिए वास्ता फिर खेल गेम पागल ना हूँ, पागल ना हूँ जो सारे टाइम पैसा वेस्ट करूंगा, एक ही बार बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट कर दिया ठीक है ना। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई कल मेरे पे फोन आया मम्मी का, कह रही सच्ची बताइयो तू उदास तो ना है। मैंने कहा क्यों बुखार चढ़गा छोरे को मगा। अरे मम्मी ने लगा बुखार मेरा उस वजह से चढ़गा कि मम्मी का 13 लाख रुपए का हार ले आया है यार, पागल वागल है का इसलिए चढ़ाओ। सच बताऊ है एक और चीज दुआ दू इसकी, छोड़ो इनका बुखार चढ़ा अगली बार। अरे वो तो मैंने ऐसी कही थी यार, मैं कहा भाई उस टाइम हीट हीट में मैंने कि 13 लाख का ले ले, एक काम कर 13 का तो क्या ही ले, मैं 15 का ही ले ले, 13 इज नॉट अ लक्की नंबर। दो का जा वो लिया, एक और छोरा लिया अपना जा 2 लाख। हाँ हम ही अच्छे लगेंगे अब तो, हम ही अच्छे लगेंगे अब तो, और कौन सा और कौन पसंद आएगा। ये देखियो 13 लाख रुपए का हार पैर है, रिच हो रही है रिच। कोई बात नहीं, ये सारी चीजें तो भाई ठीक है। मैं कह रहा हूँ मोटे आज तेरे लिए गेम है भाई, इंस्टाग्राम पे बहुत बैठ है ना, खेला ला ला उन्हें। अरे बैठ जल्दी बैठ जा भाई, आज का जो गेम होने वाला है ना उसमें बहुत सारी जनता ऑफेंड होने वाली है, बहुत सारे लोग आपको गाली बकने वाले हैं। मजाक सेट के ऐसा मत ना, सही में वैसे कोई बकेगा नहीं भाई, क्यों बकेगा मन गाड़ी, प्यारी मम्मी है मेरी, कोई कुछ मत कहना यार ठीक है ना। और बहुत सारे लोग आपको वो घोषित करने वाले पुराने जमाने के, कमेंट बंद कर दूंगा गाली वाले सारे मैंने कि पर कोई बात नहीं सुनो। तो भाई आज मैं मम्मी को इंस्टाग्राम रील्स पे, आप रील्स देखते हो वो वाले रील नहीं देखते हो जो मैं देखता हूँ ठीक है ना, मैं आज लड़कियों की रील्स दिखाऊंगा मम्मी को और स्क्रीन पे शो करूंगा कि कौन सी लड़की की रील है वो, और मम्मी ऐसे देखेगी जो भी है। और सच्ची सच्ची ना तुझे मेरी कसम है बिल्कुल सही सही बताइए कि भाई तुझे वो छोरी कैसी लगी या फिर वो देख के तेरे दिमाग में क्या आया। तो मैं आपको दिखाऊंगा, कितनी रील दिखाऊंगा आपको बताओ, 10-12 रील दिखाऊंगा और मम्मी का रिएक्शन नोट करेंगे। लड़के भी दिखाऊंगा लड़कियां भी दिखाऊंगा, दोनों दिखाऊंगा ताकि नू सोचा नू ना कहवे कि भाई सिर्फ लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, छोरे भी हैं इसमें ठीक है ना। तो मैं रील इकट्ठी कर रहा हूँ और रेडी हो जा मोटे रिएक्शन देने के लिए, अपने बाल बाल सुखा ले, ऑफेंड हो जाएगी जनता आज भाई। एल्विस भाई किन का मुंह ना दिखाऊं, मेरे होते और तुझे कोई गाड़ी ना पका, मोटे टेंशन मत ले तू इतनी तो दास छोड़ रखी है अपने ऊपर इनका मका। अच्छा जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, मेरा नाम गाड़ी दे तेरे तो कोई बका भी ना गाड़ी, उल्टी भी तो देवे आई आजकल। जल्दी आ मोटू जल्दी आ, इट्स कंट्रोवर्सी टाइम, अपना मुड्ढा लेगा इस पे मत बैठ, मुड्ढे पे बैठ जाके आओ भाई। प्रतियोगिता स्टार्ट होने वाली है, मैंने मतलब कि इसमें फोटोज भी हैं और रील्स भी है, बट मैं फोटोज ना दिखाऊंगा नहीं, मतलब इसमें कितनी रील्स है एक बार मैं देख लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 रील्स हैं इसमें। तो उसमें और आपने माँ का समय अगर कुछ भी वो बनने की कोशिश करी, संत बनने की कोशिश करी कि नहीं सब बढ़िया है, ऐसा वाला कोई सिस्टम ना रखना ठीक है ना। नु कह रही यार मेरे तो गाली बकेगी पब्लिक, अरे कोई कुछ ना कह, रेडी हो ना है, मतलब कि ये रियलिटी बोलेगी मम्मी जो एक नॉर्मल इंडियन फैमिली वाली मम्मी बोलती है, वैसा कुछ ना है कि भाई मेरी मम्मी तो किटी पार्टीज में जाती है या फिर कुछ भी वैसे हाई स्टैंडर्ड वाले लोग रहे कि ना जी हमारे लिए सब चीज कूल है, वैसा कोई सिस्टम ना है जो है ऐसा कुछ ना है। हाँ जो नॉर्मल लेडीज जो आम फैमिली इंडियन फैमिली में बात हुआ है सिर्फ वो वाली। तो ठीक है मैं पहली रील चला रहा हूँ मोटे, सच्ची सच्ची रिएक्ट करना है और ना उस पर कुछ बोलना है, आपकी स्क्रीन पर प्ले हो जाएगी और मोटे का रिएक्शन प्ले हो जाएगा ठीक है। पहली रील मैं प्ले कर रहा हूँ ये वाली ठीक है, 1, 2, 3। मैं घूमू फिरू नाचू गाऊ हंसू खेलू बाहर जाऊं अकेली जाऊं किसी और के साथ जाऊं जहां जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं आपको क्या बता भाई आपको जागो मर हमने के मतलब हमने के मतलब पढ़ा। अरे ये वाला सिस्टम ना मैं कह रहा हूँ समझ गई। हाँ
मैं कह रहा हूँ वो तो जो बोली उसका आंसर दिया मैंने, वो तो ठीक है। ये जो ये देखो, ये तुम्हें स्क्रीन पे वैसे दिख रही होगी, मैं कह रहा हूँ इसकी जो ड्रेस है, एक बार ड्रेस देखो आप, ये कैसी लग रही है। मेरी तो देखो ये फेवरेट ड्रेस है, लेकिन आए टिप्पणी कर मोटे कुछ। अरे कपड़े पहन ही कहाँ रखे जो मैं टिप्पणी करूंगी। तो ये पैर तो रखी इसलिए ये ऊपर का ही। हाँ, मैं एक गमछा सा यहाँ मार रखा है, गमछा सा यहाँ मार रखा है। गमछा ना हो, स्कर्ट है। और ऊपर टॉप आधा कटआउट। हाँ। क्या चीज पहन रखी मोटे इसने? कुछ भी ना पहन रखा है, एक लत्ता से आला पेट दिया, छोटा सा लत्ते आला पेट दिया बस। तो आपको पसंद आई नहीं आई? हम बे आपको अच्छी नहीं लगी ये? इसमें अच्छा लगने की है कि पागल। चलो कोई बात नहीं, मम्मी को ये वाली पसंद नहीं आई, अगली पसंद आएगी, फिर मेरा रिश्ता करवा देंगे, ठीक है। अबे भाई, अब जो मैं दिखाने वाला हूँ ना, मेरी फेवरेट ड्रेस है जो आज तक इसने पहनी है, ठीक है। ठीक है मोटे, रेडी है? ले तो फिर। बोरी काट तो लपेट ली इसने, बोरी ली। हाँ? और इतनी टैलेंटेड है, इसने बोरी में से भाई वो बना दिया यार। हमारे गांव में पैर का तो आओ ये बड़े लत्ते ऊपर मेरा चल जाएगा। क्यों? बोरी खोस लेंगे और अपने वो सामान वामान ले जाएंगे उसपे, भैंस की सानी घेर लेंगे फिर उसमें। यार मेरी मम्मी तो गवार है यार। कहने गवार, भैंस का जो दूध पी हुए गवार रहे, भैंस तो जानवर है ना। यार मामा, यार आप सब गवार हो भाई। हाँ मैं अच्छे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई आपके बस की है बोरी में से काट के अच्छे कपड़े। तो कोई भी कुछ कर सके, पर ये कोई बोरी पहनने की चीज ना है, ये चीनी चानी लाने के काम की, रहने दो भैंसों के काम की। टिपिकल इंडियन मॉम्स शिट भाई। मेरे अच्छी लग रही ड्रेस, मेरी तो फेवरेट है। तो कल मैं ला दूंगी बोरी और मैं काट के बना भाई उर्फी जावेद के। तो एक बार पहन के यहाँ निकल जा बाहर, इतनी भी फेवरेट कुत्ते क्या लग लेंगे। सच बताऊं ना भाई, ऐसी ड्रेस पे मेरी भी एक टिप्पणी ले लो, ऐसी ड्रेस पहन के हमारी गली में निकलना, कुत्ते भाग लेंगे पीछे। बोरी चुभाना भाई, वो इसे पता होगा ना। कोई बात नहीं, अगली दिखाते हैं मम्मा को। तीसरी है जी, तीसरी है। ओके, इसमें से ना आप ये भाई जो हमारा है, ये मेरा पुराना दोस्त है, और ये ना दो बाल दिखाएगा, एक बताएगा जो इसको पसंद है, एक दिखाएगा जो इसके घर वालों को पसंद है। आपको बताना आपको इसके कौन से बाल पसंद आए, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन से पसंद आए? शुरुआत वाले है? जो बिल्कुल तो शुरुआत वाले भी पसंद आ गए, ठीक है। मतलब दूसरों तूने क्या कंपैरिजन है, मतलब नहीं नहीं वैसे बताओ छोरा कैसा लगा? ये तो वही है तो वही, कैसा लगा? नू तो ठीक है, मारते बेचारे की कहना आ रहा है, पर जो शुरू में सिंपल था इसमें ज्यादा ठीक लग रहा है। जो दूसरे का रखे थे जो दूसरे उसके मुकाबले वो कैसे लग रहे थे दूसरे वाले? ये कोई बाढ़ है, रंग रखे हैं नहीं बेफालतू की चीज, जो ऊपर उसके बोल झाड़ू रख रखी है अपने सिर पे। ऐसा बोलना चाहते हो आप समीर भाई के बारे में? मैं नहीं सुनूंगा। अगली जो बंदी है भाई, ज्यादातर ना बंदी आए मेरे को मजा आता है करने में, ठीक है। अगली ना बंदी है, ये भी मेरी फेवरेट है, मम्मी बताना ठीक है। ये रिएक्शन नोट करना भाई इस पे, तो ये क्या होगा? कैसी लगी है भाई उसका वो स्टाइल मस्त नहीं था, जीभ निकालेगा। आप करके दिखा दो ना ये सारी चीजें, सारी लिपस्टिक ना दी वैसे खा जाती होगी। फनी बट मम्मा, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के लिपस्टिक पे, किसी के होठों पे मजाक उड़ाना इज नॉट फनी। ये लिपस्टिक बीमारी का घर है बेटा, इसे समझा दे। तो ये खा रही है लिपस्टिक और के अच्छी चीज थोड़ी ना, ये लाइट लगाए कर थोड़ी बहुत। अच्छा, इसकी लिपस्टिक नोटिस करिए आपने बस। नन्ना नक्स ठीक है, पर ये घुलिया बना कर बिगाड़ लिया कति। नन्ना नक्स तो ठीक है इसके, अगर सिंपल रहे तो। इंडियन फैमिलीज में देखा भाई, रंग देखा जावे पहले, उसके बाद देखा नैन नक्स ठीक है ना है। यार मम्मा सब ब्यूटीफुल है यार। तो फिर मैं कह तो रही हूँ सुतरी है, नैनक्स ठीक है ये, पर इसने ये ना की बना लिया अपना आपा, यहाँ तो कटिंग करवा ली, रंग रंगवा ली ना, बाल रंगवा लिए, गाड़ी गाड़ी लिपस्टिक, ऊपर गंदे सारे गंदे गंदे एक्सप्रेशन, गंदे गंदे एक्सप्रेशन है ये, ही है अच्छे एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ज्यादा मत बोल दिए, अपना काम कर ले। अगली दिखा रहा हूँ भाई, अगली के लिए रेडी है मोटे? अभी देखो क्या बन जाएगी, अभी देखियो। हाँ जी, शुरुआत में केस उतरी लग रही थी यार, बाद में रंग के बन गए अपने आप में।
भाई हॉट बन गई यार, हॉट बन गई भाई, गलत का है आज के हिसाब में देखा तो फिर भी चलो ठीक है कुछ ठीक है। इसकी और रील नहीं देखी अभी आपने, उसमें ज्यादा पसंद आती है आपको ये इसका नाम, इसका बबीता, इसका बबीता नाम है। अगली दिखा रहा हूँ भाई, अगली दिखा रहा हूँ बनगी ना कुछ कैसी लगी ये अच्छी वाली छोरी की बनन लग रही है। पहली बात तो यार देखो मम्मा, वो कुछ भी बने तुझे तो कुछ नहीं कह रही ना घर पे आके, और पहली बात ना वो अच्छी भी नहीं है। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ये तो मेरी फेवरेट बंदी है भाई, सारी बंदियां मेरी फेवरेट है यार। कोई बात नहीं, अगला दिखाता हूँ मोटोज में आपको, ठीक है अगला दिखाता हूँ। ये लो जी, वो ना है, वो ना है, ये अच्छी है। कैसी लगी मोटे? इसका जो टॉप था यहाँ से, जो भी टॉप था भाई, इसको नहीं पता क्या टॉप बोलते हैं, पर टॉप लग रही थी भाई। ये मम्मी ना देखेगा, इनकी मम्मी भी कूल है यार। मम्मी और भी घर में रिश्तेदार हैं, मौसी, तेरे तो मौसी बता दे। किसे बता दे मुझे, मगर मैं ये टॉप पहनू तो हाँ। मैं तो क्यों ही पहनूंगा ये टॉप, ओहो आजकल सब चले है ठीक है ना, घड़ी मत ना बोले, रीज के दिखा रही है अगली रील के लिए रेडी ना, पता चले तो मेरे तो सारे रिश्तेदार मेरे दर फोन कर 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 बता देंगे। कोई बात नहीं, अगला देख लो मोटे, अगला, अगले के लिए रेडी। जो लोग मुझे बुरा मानते हैं समझदार हैं, मैं अच्छी हूं भी नहीं। जो लोग मुझे बुरा मानते, कैसी लग रही है? समझदार है भी ना, सुतरी लगी ठीक है यार। मेरी मम्मी की तो पसंद ही खराब है यार, पसंद ही खराब है, हर छोरी के लिए कह रही है ठीक है ठीक है, छोरी तो छोरी में की कमी है ठीक है। अगर तू इसे कुर्ती सलवार पहना, कुर्ती सलवार, कुर्ती सलवार पहनती भी तो नहीं है, दुपट्टा ले और सिंपल रख, तेरी सुंदर लड़की है। मेरे दिमाग में अब ये गोबर पॉइंट आ रहा था, बट फिर मुझे गवार घोषित कर देंगे सब लोग, इसलिए मैं नहीं मान, मैं गवार हुई दुपट्टा लेके चल तू सर। नहीं मम्मा, इसके इसके बारे में टिप्पणी करता मैं, इसके बारे में यार ये क्या कह रहा है यार। अरे भाई यार, लोगों ने दिमाग खराब कर लिया मैसेज करके। एक मिनट रुको, ये अगली दिखाता हूँ मैं, अगली। अभी ये देख ली हमने, ये वाली देख ली, इस वाली की बारी है ना। लो, पीठ पीछे तो कुत्तों भी भौंक है, मुंह पे कह के देख, कुत्ते से भी बुरा फाड़ दूंगा। हाँ भाई ज्यादा मत बोल दे उसके बारे में, कुत्ते तो बुरा फाड़ देगी। सही बात है, पीछे नहीं बोल रही हूँ मैं, सामने थोड़ी ना बोल सू इसके। मैं तो वैसे डर गई। क्या बढ़िया बैकग्राउंड है, और पेड़ कितना बढ़िया है इस वाली में, ज्यादा मत ना बोले। तगड़ी छोरी है यो, तीज पे कुश्ती करा है। अगली की बारी आ गई गाइस, अगली की बारी आ गई है। ये तो हमने शायद देख ली ना। ये यार, ये आपका फोन ही बेकार है यार मम्मा। वैसे मैंने सोचो एक चीज, पहले लड़की यहाँ तक के निकर पहनने शुरू करी कैफरी, फिर वो यहाँ तक आई, वो यहाँ तक आई, अब यहाँ वो बिल्कुल ही बिल्कुल छोटी छोटी पा गई, वो क्या कारण है? वही बताएंगे ना कारण, मैं कैसे बता सकता हूँ, वैसे बता तो मैं ही सकता हूँ। कोई बात नहीं, अगली देखते हैं भाई, कहाँ पे पहुँच चुके हैं हम पहुँच चुके हैं इस पे। ये छोरे की फोटो दिखाई भाई मैंने, ये छोरा कैसा लग रहा, जूम करके देख लो। अच्छा एक मिनट, वो कैसा लग रहा पैरा और फैशन इन्फ्लुएंसर है, आई समझ में, ये दुनिया तक सिखावे आदमियों का फैशन करवावे, क्योंकि भाई ऐसा फैशन क्या करो, कैसा लगा ऐसा कर लू फैशन में। भाई सच बता रहा हूँ, ऐसे पहन के घूमेंगे तो भी कुत्ते लग लेंगे पीछे, क्या तो कुत्तों को फैशन सेंस है हमारे वालों को, या हम ही कुत्ते हैं। लेडीज के कपड़े, हाँ तो ये देख, ये गले में माड़ा मूड़ा, कैसा लग रहा छोरा? ना भी अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, बस अच्छा नहीं लगा, इसके कपड़े इतने प्यारे नहीं लगे, आदमियों को फैशन सेंस सिखाता है साड़ी पहनना। अगर वैसे ठीक ठाक अपने लत्ते पहनना ना, फिर लोअर टी शर्ट, हाँ लोअर टी शर्ट पैंट बुशर्ट जो भी लड़कों के आया वो पहनो ना, औरतों के कपड़ों में क्यों घुस रहे हो, है ना, औरतों के कपड़े तो भाई औरत ही पहन सकती है, तो ये भी औरत ही बन जाएगा थोड़े टाइम में। अगला सुन लो,
हंसा क्या है, क्या है? इसका जी कर रहा मटकन मटकन दे, तेरे की जोर पड़ रहा है मेरे की ना। अरे हम क्या रोक सके ऐसा मटकन दे। हाँ। मैं कह रहा हूँ मटकती बड़ी अच्छी लग रही है ना। कोई बात नहीं मम्मा, आप तो यार पुराने जमाने के हो चुके। लास्ट रील है भाई, लास्ट रील है रिएक्शन की, ठीक है? खत्म होगी। कैसी लग रही है चोरी? कुछ भी ना लग रही बनते मम्मी ज्यादा ना बोल ना पा रही, नो सोच रही हूँ पुराने जमाने घोषित हो जाऊंगी। कोई बात नहीं मम्मा, कुछ नहीं कर रहा। डांस अच्छा ना कर रही, कपड़े भी अच्छे ना पहन रही, डांस अच्छा ना है। और शक्ल भी अच्छी नहीं ले रही, और बाल भी अच्छे नहीं ले रही, पैर भी अच्छे नहीं है, और कोनी भी काली है। शक्ल में भी देख रही, रुक जाना, शक्ल ना दिख सके ऐसी। शक्ल ठीक है, शक्ल ठीक है ना। शक्ल ठीक, चलो मम्मी। हाइट अच्छी है, हाइट भी देख लिया आपने, सुंदर भी है। अच्छा भी सुंदर भी हो गई, शक्ल भी अच्छी होगी, सब चीज अच्छी होगी। तो मोटे अंधा लगा है ना। ठीक है छोरी, तो ठीक है। तो वंश का ब्याह लाओ सर, अपने घर में ना ला रही है ऐसी चोरी। जा मोटे यार, तुम तो बड़े बेकार हो। कोई बात नहीं भाई, आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। और प्लीज भाई डिस्क्लेमर, एंटरटेनमेंट के लिए थी, प्लीज मेरी मम्मा को हेट मत करना यार। ये बेचारी भोली है, भोली तो ना है, तेज है। कोई बात नहीं, कुछ मत कह, बंद कर रही, ना अच्छा लग रही है, खड़ो ही। अरे ये देख लो भाई, इसको बंद कर देते हैं। देखो तुम कह रही है रास्ते उड़ी हो। अच्छा ये बात बता बेटा, चल तू मेरी छोड़, तू अपनी बता कि अगर ऐसे कपड़े पहन रही हो तो शादी कर लेगा? और क्या, शादी करने में क्या है भाई, शादी तो मैं सबसे कर लूं यार। मान लो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, छोटे छोटे जो रहे हैं, मैं तो अपनी बात बता रही। यार मेरी मम्मी तो पुराने जमाने की है भाई, जैसी मर्जी हो। और हाँ वैसे ये भी उनकी चॉइस है, तो मेरी मम्मी की भी तो चॉइस होनी चाहिए ना। वो उनकी अपनी, मेरी तो बहू तो मुझे लानी है ना, तुझे नहीं लानी ना, तो वो मेरी चॉइस है। ज्यादा ना सिर पे मत चढ़, लाऊंगा ज्यादा सिर पे मत चढ़, लाऊंगा। हाँ है ना, हाँ है ना, बोल लाऊंगा। हम तो ब्याह ही ना कर रहे ना, लाऊंगा। नहीं यार मम्मा, ले आऊंगा। तू ना लावे, मैं पुराने जमाने का गवाह हूँ का। कुछ भी ना, पर ना भाई वीडियो ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, सबको हमारे रियल फेसेस दिखने लग जाएंगे। घरेलू पढ़ा लिखा हो, संस्कारी हो, तो ये पढ़े लिखे संस्कारी नहीं है क्या? इनके कपड़ों से जज कर रहे हो आप? देखो बालकों में तो कुछ कमी ना थी, पर पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं ये, भगवान ही जाने। ये वहां जा रहे हैं मम्मा, पल्ली साइड, साउथ साइड। अरे यार वेस्ट साइड जा रहे हैं, वेस्ट साइड। चलो जान दो इनको, साड़ी पहनने लगी हमारी, ये पहनने लगी। कोई बात नहीं, जानने दो उनको, ठीक है भाई। वीडियो खत्म करते हैं, आप तो ज्यादा हो जाएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।